गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक पाठ, यानी कि एक कविता। ये कविता है चिड़िया, चिड़िया के जीवन पर आधारित। जैसे कि हमने यहाँ शीर्षक में लिखा है पाठ पाठ चिड़िया। चिड़िया पक्षी, यानी कि हम कौन उससे परिचित नहीं है। घर के आंगनों पर, पेड़ की डाली पर, किसी खिड़की पर बैठे चहचहाते हुए हम सब ने चिड़िया को देखा है। चिड़िया सुबह के समय जैसे ही सूरज निकलता है तो हमारे कानों में जो आवाज़ आती है वो सबसे पहले दिन की होती है। ये चिड़िया ही होती हैं जो सूरज की रोशनी के साथ चीं चीं करके अपने घोंसलों से बाहर निकल आती हैं। तो ये जो पाठ है, ये कविता है सुंदर सी, जो चिड़िया के जीवन पर आधारित है और हमें यहाँ बताती है। आप चित्र में देख सकते हो कि किस प्रकार चिड़िया अपने घोंसलों से बाहर निकल आई है। सुबह का समय है, तो चलिए अब हम भी देखते हैं इस कविता में चिड़िया के विषय में क्या लिखा गया है और क्या बताया है। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना आवश्यक है, ये जो जो कविता है ये हमें चिड़िया के जीवन के, उसके कामों के और इसके व्यवहार के बारे में बताती है कि आखिर चिड़िया का जीवन कैसा है। हमें लगता है कितना आसान है पेड़ के किसी भी पेड़ पर जाके रहना, जब मन चाहे उड़ जाना, यहाँ वहाँ किसी भी पेड़ से फल तोड़कर खा लेना कुतर के, तो ये जीवन हमें आसान लगता है। लेकिन उनका जीवन भी, चिड़िया का जीवन भी बहुत कठिनाइयों से भरा है और किस प्रकार वो मेहनत करती है ये कविता हमें बताती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं पंक्तियाँ। पहली, बड़े सवेरे चिड़िया आकर पंचम सुर में गाती है, सूरज निकला उठकर बैठो कहकर हमें जगाती है। जैसे ही सुबह सूरज आसमान में आता है तो चिड़िया भी जाग जाती हैं और चीं 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 करके गाना गाने लगती हैं। तो ऐसा लगता है, कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मानो वो हमें आकर जगा रही हो, हमसे बोल रही हैं कि भाई सूरज निकल आया है, मैं जाग गई हूँ, आप लोग भी जाग जाओ। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती हैं। नीड़ मतलब घोंसला। चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती हैं। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती हैं, कितनी भी आंधी आ जाए कितना भी पानी आ जाए वो नहीं डरती। उनको उनका काम करना है, अपना घोंसला बनाना है, वो अपना काम करती ही रहती हैं। दूर दूर से ढूंढ ढूंढ कर दाना तुनका लाती हैं, ची 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 करते नन्हे बच्चे लाकर उन्हें खिलाती हैं। मतलब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, छोटे छोटे जो चिड़िया के बच्चे होते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं तो उड़ नहीं पाते हैं, तो चिड़िया उनको अपने घोंसलों में ही रखती है और वो दूर नहीं जाए तो उन घोंसलों में ही उनके लिए खाना और दाना लेकर आती है और दाना लाकर उनको घोंसलों में खिलाती है। अब दाना पानी तो उनको कहीं पर ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनके लिए प्लेट में सजा के रखा है, वो अलग अलग जगह दूर तक उड़ के जाती हैं, दूर दूर तक खोज के कहीं से कहीं अनाज के दाने, छोटे कीड़े अपनी चोंच में दबाकर लेकर आती हैं और किसको खिलाती हैं, अपने बच्चों को। दिन भर मेहनत करती चिड़िया, दिन ढले घर आती है, मेहनत से तुम ना घबराना हम सबको सिखलाती है। चिड़िया क्या होती है, सुबह जैसे ही सूरज उगता है आसमान में वैसे ही उड़ जाती है, दिन भर उड़ के यहाँ वहाँ जाकर तिनके तिनके जोड़ के अपना घर बनाती है, अपने बच्चों की देखरेख करती है और दिन भर खाना पानी की खोज में यहाँ वहाँ घूमती है और शाम को जैसे ही दिन ढलता है अपने पिंजरे में, अपने घोंसले में वापस आ जाती है। कई बार हम इंसान उनको पिंजरे में कैद कर लेते हैं लेकिन वो पंछी, ये चिड़िया उन पिंजरों में भी रहना नहीं चाहती। तो इसका जीवन क्या है, चिड़िया दिन भर मेहनत कर रही है, सुबह से शाम तक जग कर मेहनत करती है, सबको, हम सबको भी यही बताती है कि हमें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। समय पर उठो, दिन भर मेहनत करो, अपने काम को मेहनत और लगन से करो और फिर शाम को आराम करो। तो इस कविता में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कि ये चिड़िया हमें मेहनत और लगन का पाठ पढ़ाती है। क्या पढ़ाती है, मेहनत यानी कि काम में मेहनत करो, जो भी आपका काम है, लगन यानी मन लगाकर काम करना। आंधी आ रही है तो भी वो नहीं डरती, घबराती नहीं है, गर्मी बारिश से डर कर घर में नहीं बैठती, वो अपना काम समय पर करती है। अपने और अपने बच्चों के लिए मेहनत से घोंसला बनाती है, तिनका तिनका जोड़कर इंतजार नहीं करती कि कहीं पर भी जाके कहीं पर भी बच्चों को रख दिया किसी के भी घोंसले में, किसी के भी घर में नहीं, अपना घर अपना घोंसला खुद अपनी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाती है।
दाना पानी की तलाश में दूर दूर तक जाती है। दाना पानी यानी अपने बच्चों के भोजन के लिए दूर दूर तक उड़ के जाती है। बिना डरे आगे बढ़ने का पाठ पढ़ाती है, हमें सिखाती है कि हम कई बार ऐसा होता ना, थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ा सा दर्द होता है, हम किसी रेस में कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं तो एक बार गिर जाते, चोट लग जाती, तो अगली बार कहते नहीं नहीं हमें भाग नहीं लेना। थोड़ा सा हमें अगर कष्ट उठा के कोई काम करना पड़ता है तो हम कहते इसमें तो बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द होता है, मुझे ये नहीं करना। तो ऐसे डर के अगर हर काम से पीछे हट जाएंगे तो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। तो चिड़िया हमें बताती है कि हमें मुश्किलों से, कष्ट तकलीफों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको भी क्या करना है बेटू, इस पाठ का वाचन करना है अच्छे से, फिर उसके बाद हम इसके नए शब्द और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अभी एक पाठ को, इसकी कविता को पढ़िए, इसके शब्दों के उच्चारण पे ध्यान दीजिए, कंठस्थ कीजिए, यानी कंठस्थ करना यानी पोयम की लाइंस को याद करना। अगर आप कविता को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए इसका अभ्यास करना भी आसान होगा। तो कीजिए पाठ का वाचन और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में इस पाठ के शब्दों के और प्रश्नोत्तर के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।